देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज मैं आपको याद दिला दूं, जब NRC CAA के समय जो शाहीन बाग था नागपुर का, आज हम ही उसी शाहीन बाग में है, फारूक नगर टेका नाका में। जैसा आपने एक शाहीन बाग देखा था दिल्ली में, वैसा ही शाहीन बाग एक नागपुर में स्थापित किया गया था, जहाँ से NRC CAA का विरोध भी काफ़ी जोरों पर था। लेकिन आज फिर दोबारा हमें इसी जगह आना पड़ा। कारण, त्रिपुरा में 16 मस्जिदों को आग लगा दी गई है, कुरान शरीफ को आग लगा दी गई है, और त्रिपुरा में अत्याचार के खिलाफ आज फिर नागपुर के उसी शाहीन बाग में हम मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज शुक्रवार है और 2 बजे के बाद यहाँ प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। संविधान के अंदर में लिंग भेद, भाषा, जन्म, प्रांत, इसके ऊपर कहीं भी भेदभाव नहीं हो सकता। और वो इसके बावजूद भी ये मनुवादी लोग, बुक्की पर लोग इस देश के अंदर में 3.5 टक्का लोग, ब्राह्मणवादी लोग, बच्चा थर्ड पे लिखते हैं कि जब तक 95% लोग पीड़ित रहेंगे, शोषित रहेंगे, वंचित रहेंगे, गरीब रहेंगे, तब तक 5% लोग इस देश के ऊपर हुकूमत करते रहेंगे। अगर वो कोई मजहब के होते तो ये कुत्तागिरी नहीं करते। और इसका विरोध पूरे भारत में भी किया जा रहा है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के आयोजकों से, और सरकार से क्या मांग करना करते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आप? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, मैं इस प्रभाग का नगर सेवक, बहुजन समाज पार्टी से हूँ। क्या मांगे थी आज के प्रोटेस्ट में आपके? आज के इस प्रोटेस्ट की मांगे ये थी हमारे लोगों की कि जो त्रिपुरा में जुल्म, सितम और अत्याचार मुसलमानों पर हुआ है, एक कौम को निशाना बनाया गया है ये कहकर कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं पे जुल्म किया है, तो ये एक तरीका नहीं है। मैं ये प्रोटेस्ट के माध्यम से उन लोगों तक के ये बात को पहुंचाना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करके और खून बहाकर आगजनी करके इस देश में शांति ला सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम की, कोई भी हादसे की निंदा करना है तो उसके लिए संविधान है, संवैधानिक तरीके से आप उसका मुखालिफत कर सकते हैं। जैसा कि आपने वहाँ पे त्रिपुरा में जुल्म, सितम और अत्याचार किया, हम चाहते तो हम भी लड़ाई झगड़ा कर सकते थे, क्योंकि जिस संगठन ने इस वो कार्य को अंजाम दिया, विश्व हिंदी परिषद ने, बजरंग दल ने, और तमाम जो मिलजुल कर इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसका हेडक्वार्टर है सब यहाँ पे। हम अगर चाहे तो यहाँ पर उन पर भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान इस देश में शांति चाहते हैं। मुसलमान जो कौम है ये शांति पसंद और अमन पसंद है। हम नहीं चाहते हमारे देश में टुकड़े हो, हमारे देश में लड़ाई झगड़ा हो, हमारे देश में फसाद हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम अपनी नाराजगी का इजहार ये प्रोटेस्ट के जरिए करना चाहते हैं, और इस प्रोटेस्ट के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के कलेक्टर को, हम यहाँ के एक एक जो अहदेदारान हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादी संगठनों ने हमारे देश की एकता और अखंडता को बदनाम करने की कोशिश की है, हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश की है, मुसलमानों को और दूसरी जमातों के साथ में लड़ाने की कोशिश की है, इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीडर जो है, जो बहुत से मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से सर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। हाँ, नेशनल TV पे देखो, आप सोशल मीडिया पे देखो, कोई आपका मुस्लिम लीडर नहीं आया साहब अभी तक। नेशनल TV वाले कोई भी घटना को दिखा ही नहीं रहे साहब। आज इतना बड़ा केस हो गया है, आप देख लो, कोई भी आज तक या ZTV या मेरा प्रश्न यह है कि आपका मुस्लिम बड़ा लीडर कौन है जो भारत के अंदर जो सामने आया इस घटना के लिए विरोध किया है, ऐसा कोई एक नाम बताइए आप। मुस्लिम लीडर को मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विरोध किया, एक ही असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके अलावा गिनाइए। और भी बहुत से हैं जिनको मैं नहीं देख सकता, भाई मैंने तो देखा नहीं है। मैं मोमिनपुरा शमीम अख्तर भादा, माजी नगर सेवा। आज का ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया था, मैं तमाम सरकार के लोगों से, पुलिस कर्मियों से और देश के बड़े नेताओं से ये बात कहना चाहता हूँ
ये जो प्रदर्शन धरना प्रदर्शन यहाँ के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने जो रखा था, संविधान 1400 साल पहले हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, बताया था कि किसी भी गैर मुस्लिम के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, किसी भी दूसरे धर्म स्थल के साथ खिलवाड़ नहीं करना। मेरा यहाँ की सरकार से, यहाँ के साइडी के लोगों से, मेरे प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से एक रिक्वेस्ट है, और त्रिपुरा के अंदर जो घटना घटी, ये कुछ बुनियाद के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि बंगाल के अंदर जो कुछ कट्टरपंथी लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों के धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया, कि वाकई में वो मुसलमान है क्या? क्योंकि मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था, ऐलान था, जो किसी की धार्मिक स्थलों को, धार्मिक भावनाओं को खिलवाड़ करेगा, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैगंबर का उम्मती नहीं हो सकता। तो मैं इस सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि बांग्लादेश की सरकार से पहले इसके बारे में छानबीन करना चाहिए, वो वाकई में मुसलमान थे या एक बहुरूपिया थे। एक एक से बात करते हैं और सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू बने रहिए आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पर लगातार मेरे साथ रियाज शेख के साथ। क्या नाम है जी? अकील अफसर। क्या क्या मामला था आज का? आज का मामला ये था कि हम लोगों ने, हमारी पूरी एक टीम है, तो उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम, मैं जैसे और मेरे साथियों ने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो त्रिपुरा के अंदर हो रहा है, आज हमें उसके प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने दो दिन में, यानी आज जुमा है, बुध के दिन हम लोग बैठे अपनी मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हमने ये तय किया कि शाहीन बाग ग्राउंड में, जो कि शाहीन बाग हम लोगों ने सजाया था, कि शाहीन क्यों ना शाहीन बाग ग्राउंड में ही इस प्रोटेस्ट को किया जाए। त्रिपुरा के बारे में आपके ही चैनल से, क्योंकि देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिकाऊ हो चुका है, उसने आज तक एक भी कवरेज, सिंगल कवरेज त्रिपुरा के हमें आज तक नहीं पहुंचाया। तो आपके जो चैनल्स हैं, जो फेसबुक के चैनल्स हैं और भी जो दिगर चैनल्स हैं, उन चैनल्स के ज़रिए हमें पता लगा कि त्रिपुरा के अंदर क्या चल रहा है। तो कुछ चैनलों ने दिखाया कि वहाँ 23 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है और तकरीबन 100 से ज़ायद घरों को जला दिया गया है और मुसलमानों को बेजा खूनों गारत किया जा रहा है। उसके ऊपर से जब यह खबर हमारे तक पहुंची, तो वहां के DGP का बयान आता है, शर्मनाक बयान, कि यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। जब हमने इस पर गौर किया तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसका प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट करके शासन को जगाए, हिलाए, और प्रशासन को ये पैगाम दे कि आप जो कर रहे हो, अगर आप मुल्क के, क्योंकि कोई भी दंगा या दहशतगर्दी उस वक्त तक नहीं होती जिस वक्त तक उसके अंदर शासन, प्रशासन, खाकी वर्दी और सफ़ेद कलर शामिल ना हो। दी असामाजिक शक्तियों द्वारा जिस तरीके से उन्होंने हिंसा की, मुस्लिमों के जो पवित्र कुरान शरीफ है उसको आग के हवाले किया, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान, उनका प्रार्थना स्थल मस्जिद जिन्हें कहते हैं, इन 11 दिनों में उन्होंने 38 मस्जिदों को शहीद कर दिया, ढहा दिया, आग लगा दिया। इनकी निर्दयता यहाँ तक कि समाप्त नहीं हुई, 114 मकानों को भी उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में, दुकान और मकान में शामिल है, उनको भी उन्होंने तोड़ा। क्या सरकार का ये दोहरा रवैया है? वो सरकार मानती नहीं कि इस तरीके से कुछ हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर न्यूज़ आती है तो सरकार कहती है ये फेक है, ये बांग्लादेश की न्यूज़ है, ये असम की पुरानी न्यूज़ है, ये उसके पुराने स्क्रीनशॉट्स आ रहे। जब मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वहाँ पर विजिट करते, फैक्ट चेक करते, देखते असलियत क्या है, जब वो आते हैं समाज के सामने रखते, और कुछ चैनल, जो कुछ न्यूज़ चैनल जो फुटेज है, जो हकीकत है, ग्राउंड की जो हकीकत है, उसको लोगों के सामने रखते हैं, तो सरकार क्या काम करती है? उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको दबाती है। लेकिन मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, कोई UAPA, कोई कानून, कोई कलम मुस्लिम समुदाय को रोक नहीं सकता। अगर गलत हो रहा है तो गलत का खुलकर हम विरोध करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमने मैदान की लड़ाई लड़ी, हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, और यकीनन अगर हमको ये नेशनल मीडिया पर इनसे भिड़ने का मौका मिलता है, इनसे बात करने का मौका मिलता है, तो हम वो मौका भी नहीं छोड़ेंगे। हम विरोध करते हैं, विरोध करते थे, विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल, नेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल मीडिया वाले कभी ये न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सही न्यूज़ें हैं। हम जो मेहनत करके आप तक परोसते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, ये हमारी खून पसीना है जो आप तक हम पहुंचाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना अभी कि गांधी जी के दो बोल है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, तो हम बिल्कुल सत्य पे आधारित आप तक ये न्यूज़ को पहुंचा रहे हैं और ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने जज जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे वहां पे उन्होंने सर्वे किया,
तो वहाँ सही बात अत्याचार हुआ उसके बाद उन पर ही कलम लगा दी गई, क्योंकि आवाज़ आप उठा नहीं सकते, सही आवाज़ को नहीं उठा सकते, कहीं ना कहीं सरकार आपको और आपकी आवाज़ को दबा देंगी। मेरे पास में शाहिद रंगूनवाला साहब भी खड़े हैं, उनसे भी हम बात करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है TNN में, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे कि आपने कहा कि जो आवाज़ को दबाया जा रहा है, और मीडिया के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जिस तरीके से मीडिया में आके काम कर रहे हैं, आप सच की आवाज़ को लोगों के सामने ला रहे हैं। वैसे मीडिया तो पूरा बिका हुआ है। जैसा कि सरकार का ये कहना है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, जैसे कि भाई ने बताया और आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एक डेलीगेशन, एक टीम वहाँ गई, उसी के तहत जो है जमीयत उलमा का और बहुत सारे सामाजिक संगठनों का एक डेलीगेशन वहाँ गया। वहाँ से जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आई है वो बहुत चौंकाने वाली है हमारे लिए, कि यानी सरकार में बैठकर भी झूठ बोल रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा क्यों हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। आज मुसलमानों के ऊपर में पूरे देश के अंदर में अत्याचार हो रहा है, मगर सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या है, इसका हल हमें तलाश करना पड़ेगा आज। तो मेरी नज़र के अंदर में जो एक इसका हल नज़र आता है कि मुसलमानों को अपने आप को पॉलिटिकली इम्पावर्ड करना पड़ेगा। आज मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, जब तक मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनेगी मुसलमानों के ऊपर में अत्याचार होता रहेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्विटर्स के ऊपर में हमारे बहुत बड़े जो मुस्लिम लीडर्स जो अदर पार्टीज़ के हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, वो सेकुलर पार्टी के बड़े बड़े मुस्लिम नेशनल लेवल के लीडर्स जब वो त्रिपुरा की घटना के ऊपर में ट्वीट करते हैं तो वो लिखते हैं कि त्रिपुरा के अंदर में अल्पसंख्यकों के ऊपर में जो अत्याचार हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उनकी ज़बानों को क्या हो गया, उनकी ज़बानों से मुस्लिम वर्ड क्यों नहीं निकल रहा है? पूरे देश जानता है कि त्रिपुरा के अंदर में जो अत्याचार हुआ वो मुसलमानों पे हुआ, ना कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही निकाला जा रहा है। बिल्कुल बेशक, कैसा है, आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपको डर है कि अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे आपको भी UAPA के अंदर में डाल दिया जाएगा, आपकी भी कुर्सियाँ आपसे छीन ली जाएंगी, आपके आका लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे? तो मैं आज मुस्लिम जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो मुनाफिक बन के बैठे हैं, जो हमारे वोट लेते हैं, उनको गद्दी से उतारो और अपनी खुद की ताकत और अपने आप को इम्पावर करो और अपनी पॉलिटिकल आवाज़ को बनो। बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी आप TNN24 न्यूज़ चैनल पे इस खबर को देख रहे हैं तो वो देख ले, क्योंकि यूट्यूब बहुत जल्द इसको भी डिलीट करने वाला है। मेरी 17 न्यूज़ों को, जो सच्ची न्यूज़ें होती हैं, उन 17 न्यूज़ों को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो इससे पहले कि आप ये भी न्यूज़ डिलीट हो जाए, क्योंकि ये सच्ची घटना है, और उससे पहले आप देख लें और लोगों को भी दिखा दें, शेयर कर दें। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।